डेटा सेट, ये डिफरेंट डेटा सेट्स हैं। जब आप इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो बेसिकली इंस्टॉलेशन के दौरान ये सिस्टम प्रोसेस होता है। जो मैं सुबह आपको करके दिखा रहा था वो इसलिए नहीं हुआ कि नेट अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन ये था कि क्या हम नोटबुक में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये पैकेज मैंने नोटबुक से इंस्टॉल किया था, ठीक है। यानी जरूरी नहीं कि आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है या एनाकोडा के प्रॉम्प्ट पे जाना है, आप नोटबुक में भी ये काम कर सकते हैं। इंस्टॉल होगा उसका जो भी इंक्रीमेंट प्रोसीजर है, प्रोसेसिंग है, वो सारी आपको यहाँ पे शो होगी, कितना डाटा जो है वो डाउनलोड हो रहा है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और आखिर में ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया या नहीं हुआ, वो सारे मैसेजेस आपको मिल जाएंगे। और उसका करंट वर्जन कौन सा इंस्टॉल हुआ है वो भी यहाँ पे मेंशन होगा। डाटा के बाद आपने, ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक पैकेज है, डाटा सेट से हमने आईरिस वाला डाटा नोट कर लिया, लोड कर लिया। और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो पैकेज था वीगा डाटा सेट, इसमें कौन कौन से डाटा सेट अवेलेबल है। किसी भी पैकेज में अगर आपने डाटा सेट्स देखने हो तो लोकल अंडरस्कोर डाटा डॉट लिस्ट अंडरस्कोर डाटा सेट्स, ये कमांड आप जब इशू करेंगे तो आपको सारे पॉसिबल डाटा सेट्स मिल जाएंगे इस पैकेज में, जो वीगा अंडरस्कोर डाटा सेट के नाम से है। इसमें एयरपोर्ट्स के नाम से भी मौजूद है, बार्ले के नाम से। ये ज़्यादातर वो डाटा सेट्स हैं जो आपको अक्सर ट्यूटोरियल में बड़ी आसानी से नजर आएंगे, ठीक है। जैसे कार्स वाला डाटा है, यहाँ पर एक एयरपोर्ट्स वाला डाटा, आईडस और कुछ और नीचे हैं, ये बड़ी आसानी से आपको अनएम्प्लॉयमेंट, यूएस एम्प्लॉयमेंट का डाटा है, तो ये सारे के सारे डाटा इधर हैं। आपने भी प्रैक्टिस करनी है तो आप बड़ी आसानी से इन डाटा सेट्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेन इसकी कमांड क्या है, लोकल अंडरस्कोर डाटा डॉट लिस्ट अंडरस्कोर डाटा सेट। लोकल अंडरस्कोर डाटा हमने जो है बेसिकली वीगा अंडरस्कोर डाटा सेट को एलियस के तौर पर यूज किया है, ठीक है। यूनिक कमांड इसलिए यूज होती है कि हमें यूनिक वैल्यूज का पता चल जाए, यानी बजाय इसके कि सेम वैल्यूज बार बार रिपीट हो तो वो हमें वन टाइम रिपीट होगी। तो जो सिटोसा है ये 50 टाइम रिपीट हो रही थी डाटा सेट में, तो ये अब वन टाइम आपको वो शो करवा रहे हैं। तो बाद में हमें यूनिक वैल्यूज भी चाहिए होती हैं। इस डॉट एन ए डॉट एनी, कि क्या किसी डाटा में कोई भी मिसिंग ऑब्जर्वेशन है, आपने यानी ये देखना है कि आपके डाटा सेट में या वेरिएबल में मिसिंग ऑब्जर्वेशन अगर फॉल्स आती है तो वो ये बता रहा है कि सिंपल डॉट लाइन में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, यानी जितना 150 ऑब्जर्वेशन सारी की सारी अवेलेबल है, इसमें कोई भी मिसिंग ऑब्जर्वेशन नहीं है। डाटा की टाइप्स, एक आपने इंफो से चेक किया था, एक डी टाइप से भी आप चेक कर सकते हैं कि वेरिएबल की टाइप्स क्या हैं। डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और सपोज मैं स्पीसीज वाला जो वेरिएबल है यूज ही नहीं करना चाह रहा। आयरस वाले डेटा सेट में टोटल 5 वेरिएबल्स हैं, सेपल लेंथ, पेटल लेंथ, सेपल वेड और पेटल वेड, और फिफ्थ वन है स्पीसीज के नाम से जिसमें उसकी ग्रुपिंग है। अगर आप स्पीसीज में कुछ करना नहीं चाह रहे तो आप उसे ड्रॉप करना चाह रहे हैं, डॉट ड्रॉप, यानी आपके डेटा सेट में, आपकी एक्चुअल फाइल में तो वो मौजूद होगा लेकिन करंट वेरिएबल जो आप बनाएंगे उसका, उसमें वो अवेलेबल नहीं होगा, तो आप डॉट ड्रॉप यूज कर लें। एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि आप कॉलम ड्रॉप करना चाह रहे हैं, ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब होगा कि आप रो ड्रॉप करना चाह रहे हैं। तो आप रो और कॉलम दोनों ही ड्रॉप कर सकते हैं। सपोज अगर कोई मिसिंग वैल्यू आपको नजर आई है तो आप वो ड्रॉप कर सकते हैं, आपको कॉलम नजर आया आप वो ड्रॉप कर सकते हैं, या कोई वेरिएबल आपको नहीं चाहिए तो तब भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। जब आप इसे ड्रॉप कर लेंगे तो बेसिकली आपके पास जस्ट इन 4 वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन आएंगी। जी, नहीं, रो मिसिंग वैल्यू को रो में होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी रो ही मिसिंग है, कोई एक ऑब्जर्वेशन भी तो मिस हो सकती है ना, ठीक है। तो जो रिग्रेशन या कोरिलेशन आप जब करते हैं तो उसमें अगर किसी रो में मिसिंग ऑब्जर्वेशन हो तो वो पूरी रो ही ड्रॉप होती है, ठीक है। बाकी जो स्टेटिस्टिक्स हैं, यानी जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स हैं, उसमें आप मिसिंग ऑब्जर्वेशन की बेस पर पूरी रो ड्रॉप नहीं करते, ठीक। हाँ, इसमें कैटेगरी होगी, उसमें आप साझा है कि रो का इंडेक्स यूज करेंगे। इस वक्त अगर मैं इसे 0 कर दूं तो एरर मैसेज दे देगा, क्योंकि रोज में स्पेसिस एग्जिस्ट नहीं करते। रो के लिए मैं या तो रो का इंडेक्स यूज करूंगा या उसके लेबल यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बताने का मकसद ये था कि सिर्फ कॉलम ड्रॉप नहीं होते, वेरिएबल ड्रॉप नहीं होते, रोज भी ड्रॉप हो सकती हैं, लेकिन आप कमांड फिर उसी हिसाब से यूज करेंगे। अच्छा, अब डाटा हमने रीड करना है। अब हम डाटा जो है
किसी पाथ से रीड नहीं कर रहे, बल्कि हम किसी नेट लोकेशन से रीड कर रहे हैं। तो एक डाटा, वैसे तो बहुत सारे डाटा अवेलेबल हैं, लेकिन ये डाटा मुझे ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आया था, तो इसे मैंने रीड किया। ये इस पर्टिकुलर डाटा का वेब एड्रेस है कम्प्लीट, इस कम्प्लीट एड्रेस को एज इट इज़ मैंने टाइप किया। फाइल का नाम एक्चुअल क्या था, auto.csv। आपके पास दो वे हैं, या तो आप इस फाइल को डाउनलोड कर लें, अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में पुट करें और फिर उसे आप रीड कर लें, या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट से अर्ल की सूरत में रीड करें और यहाँ पर उसका पाथ यानी अर्ल दे दें, जैसे सी ड्राइव वाला या डी ड्राइव वाला आप देते हैं, ऐसे अर्ल का दे दें और बता दें कि इसके हेडर्स यानी पहली रो में इसके वेरिएबल नेम हैं या नहीं है। ये वो पर्टिकुलर फाइल है जिसके हेडर नेम नहीं है, या अगर हैं भी तो मैंने नहीं लिए। क्यों नहीं है, एक खास पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। दोबारा फिर देख लें कि पांडास वाली लाइब्रेरी ही हम यूज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन अर्ध या वेब एड्रेस मौजूद है जहाँ पर डाटा अवेलेबल है, डाटा रिपोजिटरी से हम डाटा ले रहे हैं। रीड अंडरस्कोर csv, csv रीड क्यों किया, कि ये एक्चुअल डाटा फाइल csv ही है। अगर ये csv के अलावा होती, फॉर एग्जाम्पल एक्सेल फाइल होती, तो फिर आप एक्सेल फाइल के मुताबिक ही कमांड यूज करते। इसे रीड किया, रीड के बाद डाटा की इंफॉर्मेशन हमें देखनी है कि इंफॉर्मेशन हमें क्या मीनिंग दे रहे हैं। जी, पांडास के जरिए से रीड किया, एज ए डाटा फ्रेम रीड किया, 205 ऑब्जर्वेशन हैं और जो ऑब्जर्वेशन की इंडेक्सिंग है वो 0 से 204 तक स्टार्ट हो रही है। कॉलम्स उसके टोटल 26 हैं और कॉलम्स के जो नेम है वो 0, 1, 2, 3, 4 में फॉर्म में है। आयरस वाला जो डाटा हमने देखा था उसके कॉलम नेम सिंपल एंड पिटल लेंथ वगैरह इस तरह से आ रहे थे, इसमें जो है कॉलम नेम इस तरह से नहीं आ रहे, और इस तरह के जो कॉलम नेम है ये हमेशा आमतौर पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं डेटा सेंटर्स को, हमें ये मॉडिफाई करनी है। इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हैं, कुछ इंटीजर के तौर पर आ रहे हैं, देखें ऑब्जेक्ट फ्लोट, ठीक है, इन्हें ज़रा देखते हैं हम फर्दर। हमारे पास टोटल मेमोरी यूजेज कितने हैं डेटा टाइप्स में, फ्लोट वाले कितने हैं, इंटीजर वाले कितने हैं और ऑब्जेक्ट्स वाले वेरिएबल कितने हैं। डेटा का हेड हमने चेक किया, तो देखें कुछ वेरिएबल्स में क्वेश्चन मार्क आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ में अल्फाबेट्स हैं, कुछ में नंबर्स हैं और इसके एंड पे भी आपको शायद तो क्वेश्चन मार्क्स का मतलब कोई मिसिंग ऑब्जर्वेशंस या कोई प्रॉब्लमेटिक डाटा हमारे पास एग्जिस्ट करता है। 5 रोज और 26 कॉलम उसने हमें डिस्प्ले करवाए। कॉलम्स के नेम क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4 up to 25 कॉलम के एक्चुअल नाम, यानी अगर यही काम हम आयरस में करें, आयरस डॉट कॉलम्स करेंगे तो उनके कॉलम्स के नेम यानी पिटल लेंथ, सिंपल लेंथ और स्पीसीज वगैरह इस तरह से आ जाएगा। अगर हमें अपने डेटा सेट के नेम चेंज करने हैं अपनी मर्जी के या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखने हैं, तो हम इस तरह से पहले उसके नेम डिफाइन करेंगे। कि मैंने जानबूझ के ऐसा किया, हम इसे और तरह से भी कर सकते थे। 26 डिफरेंट नेम्स यहाँ पर आ रहे हैं, हर कॉलम का नेम जो है वो हम उसकी वर्डिंग के मुताबिक यूज करेंगे, ठीक है। जैसे पहला सिंबलिंग है, दूसरा नॉर्मलाइज लॉसेस है, तीसरा मेक का है, फ्यूल टाइप है, यानी ये जो वेरिएबल नेम है ये एक्चुअली उस ऑटो डाटा के ही हैं। कार्स के नाम से ये शायद डाटा है, वैसे उसका ऑटो नेम है, नेम ही उसी के हैं, उसी के सीक्वेंस के मुताबिक है, लेकिन हम इसकी बजाय अब इसे यूज करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, df.column से हमने नेम चेक किए थे, उसे हेडर की इक्वल कर दिया, अब उस डाटा के वेरिएबल नेम मॉडिफाई हो गए। अब आप इसे हेड करते हैं या डिस्प्ले करवाते हैं तो देखें पहले आपके पास कॉलम नेम्स जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 की फॉर्म में आ रहा था, अब वो नेम्स आ रहे हैं जो आपने पुट किए लिस्ट में, आपने ऊपर जो हेडर के तौर पर या कॉलम नेम्स के तौर पर जो यूज किए थे वो एग्जैक्टली यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं और उनकी वैल्यूज साजर है, वो तो हमने चेंज की ही नहीं है। एक्सेल फाइल अगर आपने रीड करनी है तो वो इस तरह से होगी, ये रीड नहीं है, ये है अगर आपने इस डेटा को सपोज मॉडिफाई कर लिया, नए वेरिएबल ले लिए, अननेसेसरी वेरिएबल आपने ड्रॉप कर दिए, तो आप डेटा फाइल को सेव भी कर सकते हैं। df.to_csv पहले क्या था, read_read होता है कि आपने
अवेलेबल चीज़ को अपनी तरफ एक्सेस किया। यहाँ पर आप क्या करें कि एक चीज़ आपके पास मौजूद है, आप उसे कंप्यूटर पे सेव कर रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप डिफरेंट फॉर्मेट में नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फॉल्स होने का मतलब है कि उसके जो वेरिएबल नेम है वो सेव नहीं होंगे, ट्रू करेंगे तो वो भी सेव हो जाएंगे, और ऐसे ही आप उसे एक्सेल फॉर्मेट भी सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें बाद में डाटा जनरेट करने की ज़रूरत होती है, जैसे अभी हमने जो है वो डाटा जनरेट भी किया था। एक और वे है जनरेट करने का, स्टैट्स डॉट नाम डॉट आर वी एस, यानी ये साईपाई लाइब्रेरी से नामर डिस्ट्रीब्यूशन और उसके रैंडम वेरिएबल। स्टैट्स से मुझे आइडिया हुआ कि मैंने साईपाई को स्टैट्स के तौर पर लिया हुआ था, और ये बाकी उसके मेथड्स हैं। इस चीज़ को मैंने इनएक्टिव किया हुआ, ये कंपाइल नहीं होगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और स्पेशली स्टैटिशियंस के लिए रैंडम डॉट सी का मतलब क्या है कि आप एक की पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, उस की पॉइंट की बेस पर जो रैंडम नंबर जनरेट होंगे, अगर आप इसी की को यूज़ करेंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। कभी भी चेंज नहीं होंगे का मतलब कि अगर मैं इसे एक्टिव कर देता हूँ, ये बिफोर एंड आफ्टर से जो भी डाटा जनरेट होगा, मैं इसे अगर 10,000 दफ़ा भी रिपीट कर लूँ, सेम नंबर जो है वो रैंडम नंबर जनरेट होंगे। और अगर मैं सीड यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं जितनी दफ़ा भी इसे एग्जीक्यूट करूँगा, आपके रिजल्ट वेरी करते रहेंगे। अगर आपने सीड यूज़ करनी है, तो रिसर्च में आप आसानी से सीड यूज़ नहीं करते। रिप्रोड्यूसेबल रिसर्च का वर्ड एक यूज़ होता है कि आपने अपने सेम रिजल्ट रिप्रोड्यूस करने हैं, देन आप अगर आपका डाटा रैंडम जनरेट हो रहा है, देन यू मस्ट यूज रैंडम सीड। और अगर आपने सेम रिजल्ट जो है वो रिपीट नहीं करने, तो फिर आप इस सीड को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें हमने दो तरह से काम किया, रैंडम नंबर जनरेट कर लिए, स्केल का मतलब है उसकी मेन वैल्यू, लोकेशन का मतलब उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, और कितने नंबर आपने जनरेट करने हैं, साइज उसका क्या होगा। और यहाँ पर हमने क्या किया कि बिफोर में जो नंबर थे उसमें कुछ और ऐड करवा दिया, यानी ये नंबर जनरेट किए, इन नंबर में मजीद हमने कुछ और रैंडम नंबर जनरेट कर दिए, यानी दो डिफरेंट नंबर हमने जनरेट कर दिए। और इससे हमने डेटा फ्रेम के तौर पर ले लिया, क्योंकि ये सब इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। हम इसे डेटा फ्रेम बनाना चाह रहे हैं, यानी ऐसा डेटा जिसमें कॉलम्स भी हों, एक से ज्यादा, और रोज भी हों। पी डी डॉट डेटा फ्रेम, डी कैपिटल, एफ कैपिटल, पैरेंथेसिस, और जो आपके पास कर्ली ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट्स में आप वेरिएबल का नाम लेंगे। और वेरिएबल को मैंने डिफाइन कर दिया वेट अंडरस्कोर बिफोर, इस वेरिएबल को मैंने उसका लेबल दे दिया वेट अंडरस्कोर बिफोर, वेट अंडरस्कोर आफ्टर, और इन दोनों को माइनस करके मैंने डिफरेंस, यानी मैंने तीन वेरिएबल डिफाइन कर दिए। और अब हम इसे अगर डिस्क्राइब करते हैं, मैंने इसके डिस्क्रिप्टिव कैलकुलेट करते हैं, जी देखें हमने वैसे बिफोर एंड आफ्टर बनाए थे, लेकिन अब उनके लेबल यूज हो रहे हैं और ये उनका डिफरेंस कैलकुलेट है। आप डायरेक्ट माइनस कर लें या वैसे देख लें, दोनों सूत्रों में आपके पास ये जनरेटेड डाटा आ गया। बाद दफा आपको जनरेटेड डाटा की जरूरत पड़ती है, और अभी हम जब सैम्पलिंग वाला काम करेंगे, वहाँ पे भी आपको आइडिया होगा कि सैम्पलिंग के डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए आप अपने डिफरेंट एस्टिमेटर्स या जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसे चेक करते हैं। तो ये डाटा के बारे में एक जनरल सा हिंट था